पावन नगरी इंदौर में माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 23 में पिपलेश्वर महादेव मंदिर परदेसी पुरा रोड नंबर 6 पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 19 फरवरी से 25 फरवरी 2021 तक समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता पंडित धर्मेंद्र कृष्णा नागर के मुखारविंद से किया जा रहा है। आयोजक अजीत ठाकुर ने बताया कि भागवत कथा में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजे घोड़े बग्गी के साथ गन्नू महाराज की भजन मंडली और हजारों की संख्या में कलश लिए महिलाएं एवं राम नाम के जाप के साथ हनुमान जी की भव्य झांकी यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा के दौरान माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक आकाश विजयवर्गीय, पार्षद राजेंद्र राठौर, पार्षद चंदू राव शिंदे, MIC सदस्य गणेश गोयल, भाजपा के वरिष्ठ नेता जीतू यादव एवं राजा ठाकुर मुख्य रूप से यात्रा में शामिल हुए। भाई अजीत भैया को ऐसा लगना चाहिए कि सब दमदार भगत है। अजीत ठाकुर है, किसको किसको खुशी है इस यात्रा की, इस कथा की, मेरा निवेदन है जरा दोनों हाथ उठा करो। अजीत भैया उठा लो दोनों हाथ। देखिए संसार से विषय भोग भी आप प्राप्त करोगे। अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता है हमारे धर्मेंद्र नागर जी, USA रिटर्न है। बराक ओबामा के साथ उनका मतलब बराक ओबामा के साथ उनने वहाँ पे पूजन भी करवाया उन्होंने, और काफ़ी अच्छे प्रवक्ता भी हैं। तो हम उनके माध्यम से, उनके मुखारविंद से हम ये भागवत का आयोजन कर रहे हैं। आज किस प्रकार की यात्रा में कौन कौन लोग शामिल थे? आज हमारी यात्रा में माननीय गणेश गोयल जी, राजकपूर सुनैर जी, चंदू राव शिंदे जी, जीतू यादव जी और राजेंद्र राठौर जी, ये सभी उपस्थित थे। और काफ़ी मातृशक्तियों का बहुत सहयोग मिला, हरदेशीपुरा की मातृशक्तियों का बहुत बहुत सहयोग मिला, और हमारे माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय के मार्गदर्शन में, हमारे रमेश जी मेंदोला के नेतृत्व में हम लोग ये आयोजन करते आ रहे हैं। ये आयोजन का प्रथम वर्ष है, लेकिन हम लोग करीबन 12-15 सालों से कांवड़ यात्रा भी निकालते हैं, तो हर साल कांवड़ यात्रा का भी काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। और जो आज प्रथम वर्ष में महिलाओं के द्वारा ये पहली बार मातृशक्ति कांवड़ यात्रा भागवत कथा भेटी है, वो काफ़ी बहुत अच्छा रश और अच्छा माहौल और अच्छा मैसेज जा रहा है सभी के बीच में। अजीत ठाकुर भगवान तीन ताप का जो है नाश करते हैं, संसार के अनेक प्रकार के ताप जाएंगे, लेकिन हमारा मन अभी वृंदावन में बिठा के रखना है। जब वृंदावन नहीं जा पाते हैं भैया, तो हमारे शरीर को क्या बना लो? वृंदावन। और भी क्या करना है? राधे राधे वृंदावन। हमारा जो मन है उसको कृष्ण बना लोगे तो भैया हमारे मन में सहज रूप से शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज सुखदेव महाराज ने कहा कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित जी को श्राप लगा था, राजा परीक्षित जी को श्राप लगा था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें श्राप लगा रहा था तक्षक नाम का। तो राजा परीक्षित जी को पता पड़ा कि देवता लोग मेरे पास आए हैं, तो राजा परीक्षित जी ने
सुखदेव जी महाराज जी से कहा, ये सुखदेव जी महाराज, ये देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए हैं, ये क्या है मैं तो जानता नहीं, और भागवत और इस भाग, लेकिन वो आनंद कैसे प्राप्त होगा, तो हमें इस भागवत कथा के द्वारा नंद बनना पड़ेगा। The report, Voice of Rights.